हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ अमृता। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे चैनल की रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी फ्री है। इस बेल को दबाइए ताकि मेरे आने वाले नए वीडियो की अपडेट आपको मिले। आज बनाने जा रहे हैं फिश कटलेट। गैस के ऊपर पहले एक पैन चढ़ा दे, सरसों तेल डाल दे। तेल गर्म होने के बाद फिश को हल्दी और नमक मिलाकर फ्राई करेंगे। एक तरफ फिश फ्राई हो जाने के बाद दूसरी तरफ पलटकर फ्राई करेंगे। दोनों तरफ से फिश को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे मसूर दाल को पानी में भिगो कर रखी हूँ, अच्छे से धोकर मिक्सर जार में पीस लेंगे। देखिए, अच्छे से पीस लिया है मसूर दाल को। मछली से काटे निकाल कर साफ कर लेंगे। पीसी हुई मसूर दाल को डाल दे। नमक स्वाद अनुसार डाल दीजिए। देखकर डालिए क्योंकि फिश में भी नमक डाला है। लाल मिर्च पाउडर, करी पाउडर डाल दे। पाउडर के जगह कोरिएंडर और जीरा पाउडर डाल सकते हैं। बारीक कटे हुए प्याज, हरी मिर्च, धनिया पत्ता डाल दे। अच्छे से मिला दीजिए। हाथों की सहायता से सिलेंडर शेप या गोल शेप में फिश चॉप बना सकते हैं। सभी फिश चॉप को बनाकर रेडी कर लिया है। यहाँ पे कॉर्नफ्लोर में पानी और थोड़ा नमक मिलाकर घोल बना लिया है। फिश चॉप को कॉर्नफ्लोर में डालकर ब्रेड क्रम में रोल कर लेंगे। फिश चॉप को सेलो फ्राई करेंगे। आप चाहे तो डीप फ्राई भी कर सकते हैं। पलट पलट कर फिश कटलेट को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, फिश कटलेट में गोल्डन कलर आ गया है। फिश कटलेट को ग्रीन चटनी या सॉस के साथ सर्व कीजिए।